हेलो दोस्तों, हमारे विकास सिंह देवभक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय श्री श्याम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कृष्ण की ऐसी अनोखी भक्त की जिनके लिए रोज चमत्कार होते हैं। और भगवान कान्हा ने सपने में उनसे कहा है कि तुम मेरी प्रिय गोपी हो। पूरे देश में रात 12 बजते ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भक्तों ने जन्माष्टमी त्यौहार मनाने के लिए अपने भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए तरह तरह की तैयारी कर रखते हैं। इसी बीच हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे भक्त के बारे में जिनकी तुलना लोग मीराबाई से करते हैं, जिन पर भगवान की कृपा ऐसी है कि इलाके के लोग रोजाना उनका चमत्कार देखने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं ऐसी भक्त के बारे में जिनके सपने में आते हैं भगवान। दरअसल इन महिला भक्त का नाम सुनीता बाई वर्मा है, जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के एक मोलगा गांव की रहने वाली हैं। वह रोजाना सुबह शाम घंटों भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहती हैं। उनका ज़्यादातर समय कृष्ण भक्ति में ही गुजरता है। इलाके के लोग उनको भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय गोपी के रूप में मानते हैं और उनके दर्शन करने के लिए भीड़ लगी रहती है। बता दें कि भक्त सुनीता पर ईश्वर की ऐसी कृपा है कि वह जैसे ही कान्हा की पूजा कर अपनी आसन से उठती हैं तो उनके हाथ में मक्खन खुद ब खुद आ जाता है। उनके साथ ऐसा कोई विशेष दिन नहीं बल्कि रोजाना होता है, जिसे वह प्रसाद के रूप में अपने गांव वालों को बांट देती हैं। यह चमत्कार देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कृष्ण भक्त सुनीता वर्मा ने बताया कि वह बचपन से ही कान्हा की भक्ति में लीन है। उन्हें कृष्ण के सिवा जीवन में कुछ प्यारा नहीं है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि बचपन में श्री कृष्ण ने खुद मेरे सपने में आकर कहा था कि तुम मेरी सबसे प्यारी गोपी हो। इतना ही नहीं, सुनीता वर्मा का कहना है कि भगवान ने उन्हें सपने में आकर कहा था कि द्वापर युग में मेरी सारी गोपियाँ तुमसे मक्खन छीनकर खा जाया करती थी। अब तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि जैसी ही पूजा करने के बाद अपने आप तुम्हारे हाथों में मक्खन आ जाएगा। बता दें कि सुनीता बाई की शादी साल 1990 में भोपाल में हुई थी। उनके पति ओम प्रकाश वर्मा सेना में सैनिक थे, जो जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। उनके जाने के बाद वह भगवान की भक्ति करती तो ससुराल वालों उनका विरोध करते थे। इसके बाद वह अपने मायके आ गई और यहाँ पे आके रहने लगी। गांव के लोग उन्हें साध्वी कहते हैं। उनके घर में सुनीता बाई ने भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनवाया है, जिनका खर्च वह खुद उन्होंने वहन किया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को जय श्री श्याम।